शांति। 26 नवंबर बाबा हम सभी को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो नॉलेजफुल है। तो किसकी नॉलेज देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, बाबा ने पूरे शब्द बोले। लोग कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, लेकिन स्टूडेंट की सबकी लाइफ तो बेस्ट होती नहीं। गॉडली स्टूडेंट्स की लाइफ सबसे सुंदर है, जिसमें भगवान पढ़ाते हैं, राजाई देने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे अंत तक तुम्हारी राजाई स्थापित हो जाएगी, फिर सबको वापस जाना है। माया से तुम्हारी युद्ध है, माया की युद्ध को जीतने के लिए तो बाबा परम सदगुरु जो उस्ताद है रोज हमें विधि बताते हैं। तो इस युद्ध में विजय तुम्हारी अवश्य होनी है। कोई कोई बच्चे हार भी जाते हैं, नाम बदनाम करते हैं, डिसर्विस हो जाती है बहुत। बाबा सुनते हैं, बाबा भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी थोड़ा तो ख्याल चलता है ये बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं। अबलाओं पर अत्याचार पड़ने लगते हैं, बाबा सिखा रहे हैं बच्चे अपना योग बल बढ़ाते चलो। योग करते करते माया पर तुम्हारी विजय हो जाएगी, अंत में विजय तुम्हारी ही होनी है। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले, शांति धाम और सुख धाम पर तुम्हारी विजय अवश्य होनी है। तुम जाकर सतयुग में राज करोगे, ये हमें सबको नशा होना चाहिए। बाबा हमें रोज रोज नशा चढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं ड्रामा का गुह्य ज्ञान तुमको मिला है, ड्रामा पूरा एक्यूरेट चलता है। देखो तुम्हारा भी इस ड्रामा में पार्ट है और मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है। हम सभी इस ड्रामा के ज्ञान की कुछ बातें अपनी बुद्धि में पक्की रखें, जो हमें निश्चिंत करे, जो हमें निरसंकल्प करे, जो हमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें याद दिलाए। देखो ड्रामा कितना सुंदर है। संगम युग पर भगवान आए और हम उनके साथ हैं, हमारा भी पार्ट उनके साथ है। जब वो राज्य स्थापित कर रहे हैं, जब वो श्रीमत दे रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, अब मैं आके तुम्हें श्रीमत दे रहा हूं। दो युग तुम आसुरी मत पर चले, रावण की मत पर चले। आसुरी मत पे चलने से तुम नीचे गिरते आए, अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम ऊपर चढ़ जाते हो। संसार के लिए ये बहुत गहरी फिलॉसफी है। लोग ये नहीं जानते कि हम उतरते आ रहे हैं। बहुत कम लोग समझते हैं पहले दुनिया बहुत अच्छी थी, अब खराब हो गई है। लेकिन और बहुत सारी चीज सूक्ष्म परिवर्तन होते आ रहे हैं गिरावट की ओर। मनोविकार बढ़ते आ रहे, आत्मा कमजोर होती जा रही, मन दूषित होते जा रहे, बुद्धि भी दूषित हो रही है। गिरावट ये किससे आई? ये आई आसुरी मत पर चलने से। अब भगवान अपनी मत दे रहा है कैसे इन विकारों को जीतो, और मेरी मत पर चलकर तुम पुनः चढ़ती कला में चलो, आगे बढ़ते चलो। रावण की मत पर चलकर तुम पाप आत्माएं बन गए हो। बाबा कहते हैं तुमने हजारों पाप कर लिए, मंदिरों में जाकर भी कहते थे हम पापी हैं, अब तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत पर चलकर तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र आत्मा बनते हैं तो तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। इसी से जुड़ी हुई बात बाबा कह रहे हैं। तुम्हें भले घर गृहस्थ में रहना है, यहाँ तो सब नहीं आ सकते, घर गृहस्थ तो सब छोड़ नहीं सकते, धंधा भी तुम्हें करना है,
लेकिन धंधा तुम्हारा बहुत रॉयल होना चाहिए। देखो बाबा का धंधा था जवाहरात का, बहुत सुंदर धंधा था। भले ही लखपति बन गए थे पर बाबा को लगा इससे क्या मिला है, असली धंधा तो ये ज्ञान रत्नों का धंधा है। फिर बाबा लौकिक के लिए समझा रहे हैं, तो बच्चे बाबा से पूछते रहते हैं लौकिक कार्यों के लिए, बाबा हमारा धंधा ये है, हम करें? हमारी शराब की दुकान है, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू की दुकान है। बाबा समझा रहे हैं बच्चे नहीं, जिन चीजों से विकारों की ओर मनुष्य का आकर्षण होता है वो धंधा तुम्हें नहीं करना है, नहीं तो पाप का हिस्सा तुम्हारे तरफ भी आता रहेगा। इसलिए ये सब धंधे बदल दो, बाबा सबको राय देते थे, ये धंधे तुम्हें नहीं करने। ये धंधे करने वाले और बहुत हैं, और बहुत सारे रॉयल धंधे हैं, वो तुम सब अपनाओ। तो बाबा माया के युद्ध पर हमें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें माया से हार नहीं माननी है। बाबा एक हंसी की बात और कह रहे हैं, ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, मैं इसके तन में आया तो ब्रह्मा को भी बहुत खुशी रहती है, मैंने अपना मकान शिव बाबा को किराए पे दिया है, बहुत खुशी रहती है। मकान दिया है तो मदद भी बहुत मिलती है, किराया भी बहुत मिलेगा। तो बाबा कह रहे, जब से शिव बाबा मेरे तन में आए मुझे गालियां बहुत खानी पड़ी, पहले मुझे कोई गाली नहीं देता था, फिर गालियां ही गालियां मिली। शिव बाबा कहते हैं, तुमसे ज्यादा गाली तो मैंने खाई। सर्वव्यापी कहते रहे, तुम भी मुझे गाली देते रहे, अब तुम्हारी बारी है। दोनों हंसी करते रहते हैं। बाप दादा देखो भगवान से रूढ़िहान करने का भी एक बहुत ही रमणीक तरीका होता है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा इस रथ में बैठती है ना, ये शरीर आत्मा का मकान है, तुम भी ऐसा ही अभ्यास किया करो। वरदान बहुत अच्छा है, सबके लिए शुभ भावनाएं रखो। अगर हम संगठित रूप से सबके लिए शुभ भावना रखते हैं तो शुभ भावनाओं का किला बहुत पावरफुल हो जाता है और उससे सेवाओं में बहुत सफलता मिलती है। तो जब भी योग अभ्यास चलता है, संगठित रूप से सभी संसार के लिए शुभ भावनाएं रखा करें, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबके अंदर प्रेम भाव बढ़े। बाबा ने हमें ऐसा रास्ता बताया है, स्लोगन याद दिला रहा है, कदम कदम में पद्मों की कमाई करो योग युक्त होकर, तो तुम सबसे अधिक धनवान बन जाओगे। तो आज हम बहुत नशे में रहेंगे, हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही सबसे सुंदर लाइफ है, और बाबा मेरा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, इस नशे के साथ उससे रूढ़िहान करते रहेंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।